अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विंशा व्लॉग्स। ओके जी, आज है मदर्स डे, तो सबसे पहले सबकी मामाज को हैप्पी मदर्स डे बहुत बहुत। अल्लाह पाक सबकी माओ को लंबी जिंदगी तंदुरुस्ती वाली दे और सब उनका साया हमेशा अपने बच्चों पे कायम और दायम रखे, आमीन सुम आमीन। ओके जी, तो आप भी और इधर लोग कल के आ चुके हैं, सो आज का क्या प्लान है आप व्लॉग में आगे देखते रहिएगा। सो अभी चुप सबसे पहले नीचे चलते हैं और चल के कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि चाय बन गई है नीचे, तो चलो चले। ओके जी, नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे सबकी चाय बन चुकी थी तो फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया जल्दी जाके, नहीं तो मैं पहले ना जाती ना तो फिर मेरे से चाय नहीं आती। सो मैं जल्दी से उठ के, आज मैं जल्दी वैसे भी उठ गई थी, तो जाके मैंने नाश्ता वाश्ता किया, चाय पी। और यहाँ पे रमीन माशाल्लाह हमारी चलने लग गई है, वो बस दौड़ने लगाती है, कहती है मुझे ना कोई पकड़े ना उठाए। और यहाँ पर फिर उसके बाद फैसल दोनों के साथ खेल रहा था। ओके जी, नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आ गए हैं ऊपर, अब हम लोगों ने जाना है बाजार क्योंकि मामा के लिए लेने हैं कुछ गिफ्ट्स, तो अभी हो रहे हैं सब रेडी, तो चलो जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, तो हो लेते हैं जल्दी से रेडी। यहाँ पे सब खो रहे हैं अपने कपड़े प्रेस, और ये देखिए मेरी मामा के, मेरी मामा ने सिए हैं इसके कपड़े, इतने प्यारे लग रहे हैं और इसके नखरे ही खत्म हो रहे। पता है आजकल की बच्चियों को क्या मसले हैं, हमें तो हमारी माँ जो पहनाती थी हम पहन लेते थे खामोशी से, और आजकल के बच्चे हैं नखड़े। ओके जी, चेंज वेंज हो गए हैं, अब जल्दी से जल्दी रेडी और फिर निकलते हैं। ओके जी, मैं हो गई हूँ फुल रेडी, मेरे फैन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से मैंने ये फर्नीचर उतारा हुआ, तो चलो अब निकलते हैं। ओके जी, हम लोग घर से निकल चुके हैं, हमने वैसे मामा को तो कुछ नहीं बताया था कि हम लोग किधर जा रहे हैं, ये कहा था कि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, रिद्धा ने करनी है। सो मामा को मामा ने जाना था पार्लर, सो मामा को हमने पार्लर पे ड्रॉप किया था, और शदीद गर्मी पा रही थी यार, ना पूछो गर्मी का हाल, और लाइट भी उतनी ही जा रही है। खैर, यहाँ पर मामा को किया हमने ड्रॉप, और फिर उसके बाद हम लोग गए थे केक वेक लेने, तो आजकल एक लेयर्स केक काफ़ी निकला हुआ है, हम लोगों ने वो ट्राई करना था, तो हमने सोचा चलो मदर्स डे में न्यू चीज़ ही ट्राई कर ली जाए, क्योंकि बाकी केक से हम लोग खाते रहते हैं और काफ़ी बोर हो चुके हैं केक से। तो खैर, हम लोगों ने ये छोटे दो ले लिए थे, ऊपर हमने लिखवाया कुछ भी नहीं था, बट मामा ने ही इनको ऐसे टक टक करके तोड़ा था। खैर, यहाँ से हमने ये लिए, हम लोग इन लोगों से ही आजकल ज़्यादा केक्स वगैरह जब भी हमें ज़रूरत होती है हम लोग लेते हैं, काफ़ी मज़े का था यार, मैं इसका रिव्यू भी दूंगी, आई जस्ट लव इट। खैर, हम लोग यहाँ से ये पिक किए, मैंने दो ले लिए थे, और देखो मैं कैसे पकड़ के जा रही हूँ। खैर, उसके बाद इद्दा कह रही थी मुझे दिखाओ, उसको दिखाया, इन लोगों के केक्स वाकई मज़े के होते हैं, सो बस ये लिया। उसके बाद आयरा वहाँ पर ज़िद करने लग गई थी कि यार मुझे कप केक खाना है, तो फिर आप ही ने उसको एक कप केक लेके दिया, तो वो गाड़ी में ही खाने लग गई थी। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में मामा को पिक करने से पहले हमने फ्लावर्स ले लिए, क्योंकि फ्लावर भी लेना था, तो ज़्यादा नहीं लिए, काफ़ी एक्सपेंसिव थे तो हमने एक ही ले लिया, वैसे भी हमारे घर में ना फ्लावर फेंक ही देते हैं दूसरे दिन। खैर, ये वाला हमने काफ़ी बचा के रखा था, तो ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट था, इतना बड़ा वाला, तो हमने ले लिया था एक फ्लावर। एंड देन फिर उसके बाद हमने किया था मामा को पिक, और उसके बाद हम लोग चले गए थे मामा के लिए, हम लोगों ने जूता देखना था तो जूता देखने के लिए चले गए। यहाँ से हमें पसंद आ गया था, मेरा और मामा का साइज़ सेम है, सो मैं पहन के चेक कर रही थी, बट यहाँ पर गलती ये हो गई थी कि हमें दूसरी शॉप जाना था, वहाँ से लेना था रिद्धा ने अपना, और मैं गाड़ी में लग गई थी ये शॉप पर जूता, और मामा ने पीछे से देख लिया था। खैर, मम्मा ने हमारे सामने तो रिवील नहीं किया कि मैंने तुम लोगों का सरप्राइज़ पकड़ लिया, बट जब हम लोगों ने उनको मदर्स डे विश किया, एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपका गिफ्ट देख चुकी थी, सो सैड ना, बट चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद ना यहाँ पे आपील ने लेस वगैरह लेनी थी, यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ पर छोटी सी मियाओं को देख रहे थे, एंड देन फिर हम लोग आ गए थे उसके बाद घर, आप ही और इधर को हम दर्जी के पास छोड़ रहे थे, उन्होंने दर्जी के पास जाना था, एंड देन फिर बस हम लोग आए थे घर। ओके जी, घर आ गए हम लोग, अब बस जल्दी से खाने वाने की तैयारी करते हैं और जो घर के काम है वो ख़त्म करते हैं, देन फिर उसके बाद छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे मदर्स डे का, तो चलो काम वाम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ मामा के लिए क्या लाए हैं। मामा के लिए फ्लावर लाए हैं, तो क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से, और मामा के लिए हम लाए हैं उनके लिए जूता गिफ्ट, और केक्स वगैरह लाए हैं जो कि आपने मेरी वीडियो में देखा ही, हमने वो ट्राई भी करना था, हमने सोचा मदर्स डे में कुछ स्पेशल हो जाए, और ये मामा का गिफ्ट। तो अब चलो काम वाम कर लें, फ्री हो लें, फिर करते हैं सेलिब्रेशन। ओके जी, नीचे मैं आ गई हूँ, यहाँ बाबा लेके आए हुए थे फालसा, जो कि अजलान को बहुत पसंद है, सो अजलान आज हमारे घर आया हुआ था, बहुत कम आता है, सो यहाँ पे वो इतने खट्टे और इतने कच्चे थे ना यार, कसम से वो इतने मज़े ले लेके खा रहा था। देन बाबा ने उसके बाद फालसे का जूस बनाया था। उसके बाद मामा ने ना यहाँ पे रमीन को खीरे कट करके दिए थे, जो कि हम सब खाने लग गए थे, और रमीन को खीरे बहुत पसंद है, वो पागल हो जाती है खीरे देख के। यहाँ एक तरफ पकड़ा है कद्दू, दूसरी तरफ पकड़ेगा चिकन, चिकन ब्रेस्ट, और थोड़ा मैं बनाऊंगी। हो गया काम, रखते हैं, इधर चिकन की तैयारी हो रही है, यहाँ चिकन पकेगा, मैंने जो पकाना है उसका चिकन रेडी हो चुका है, इसको भी रखेंगे फ्रिज में क्योंकि अभी गैस नहीं आ रही है, गैस बस पकाएंगे खाना।
यहाँ बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। सो मैंने आटा जो है इसका निकाल के रख दिया है, अभी इसको गूंथ के तैयार करती हूँ। ओके जी, मैंने सोचा गैस आ गई तो मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे चिकन को पकने के लिए रख दिया है, जो भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ पे इसके अंदर टमाटर प्यूरी जाएगी और एक तरफ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया और इतना प्यारा गूंदा गया था माशाल्लाह से। और मैं बना रही थी चिकन सैंडविचेस, साथ थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। और एक तरफ मामा ने बनाया था चिकन चाम्प, क्योंकि सब कद्दू वगैरह नहीं खाएंगे, बच्चों को पसंद नहीं है। तो खैर यहाँ पर चिकन चाम्प की तैयारी हो रही थी एक तरफ, और मैं यहाँ पर ये बोल रही थी कि देखो मदर्स डे, और दोनों बाहर बैठ के गप्पे मार रही हैं और यहाँ मैं मामा काम कर रहे हैं। तो मामा कहती हैं हाँ देखो मदर्स डे मना रही है। खैर उसके बाद यहाँ पे जो है ना कच्चे आम की चटनी बनने वाली थी, जो कि अब रिद्धा के जुम्मे थी। तो यार ये इतनी खट्टी और इतने मज़े की थी ना, हम लोग एंड पे ना लड़ रहे थे उस कच्चे अम्बी के लिए। तो खैर अब यहाँ पे चिकन विकन मेरा हो गया रेडी, इसमें हमने चीज़ डाली थी, एक तरफ बन रही है चिप्स और चटनी रिद्धा की रेडी हो गई है। सालन हमारे चिकन चाम बन चुका था, मामा यहाँ पे एक तरफ बनाएंगे सैंडविचेस, वो जो है ना मामा ही उसको जो है ना अंदर रख के, मतलब बेल बुल के तो अंदर डालेंगे, उसके बाद मैं फ्राई वगैरह कर लूँगी और बस चिप्स हमारी रेडी हो। उसके बाद रोटियाँ वगैरह फहद लेने गया हुआ था, और यहाँ पर हमारे सैंडविचेस ये बकना शुरू हो चुके हैं। मामा ने एक बना के रख दिया था, खैर हमने रात में भी यही खाया था क्योंकि या फिर रात में खाने को नहीं होता। देखो कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, मछली इतना अच्छा बना था। तो बस जी यहाँ पे हमारी खाना वाना लगा दिया था टेबल पे, इतना मैं थक गई थी ना कि ना पूछो। खैर यहाँ पे खाना वाना हमने लगा दिया था, और यहाँ पे अजलान कच्ची अम्बी खा रहा था, मैं उसको दिखा रही थी, और ये हमेशा मेरा व्लॉग ख़राब करता क्योंकि इसको ज़रा जो है ना पसंद नहीं है मेरे व्लॉग में आना। खैर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, एंड देन फिर उसके बाद हम करने वाले हैं छोटा सा सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये केक वेक लेके आए थे और बाबा भी घर आ गए थे, और बस हमें यहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन किया, केक को कट किया। मामा को बोला एक मैं तोड़ती हूँ, तो मामा ने बोला ठीक है तुम कर लो एक। तो फिर एक मैंने किया था, और यार अगर आप टेस्ट की बात करो तो ये बहुत बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वैसे तो आप लोगों को पता है मुझे ज़्यादातर चॉकलेट केक्स पसंद नहीं है, जो कि मेरा शुरू से व्लॉग्स देखते हैं, बट ये बहुत मज़े का था और बहुत बेस्ट था। फिर जी मामा ने यहाँ पे केक को यूँ चम्मच से तोड़ा, और हैप्पी मदर्स डे मामा। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, माँ के बगैर तो ज़िंदगी ही ख़त्म है। माँ है तो घर है, माँ है तो सब कुछ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक बस सबकी माओं को सलामत रखे। मेरी मामा को भी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। और बस यहीं करूँगी व्लॉग का एंड, हम लोगों ने बस यही छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, यही छोटा सा दिन था। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग देख के मज़ा आया हो, आप लोगों ने भी इन्जॉय किया हो। और एक बार फिर से आप सबकी मामाज़ को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, व्लॉग को एंड तक देख के जाया करें प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।